दोस्तों, पाकिस्तान और श्रीलंका के बाद अब नेपाल भी चीन के जाल में बुरी तरीके से फंस चुका है, जिससे बाहर निकलने के लिए अब नेपाल भारत के आगे मदद की गुहार लगा रहा है। लेकिन भारत के जवाब ने पूरी तरीके से नेपाल को हैरान करके रख दिया है। ऐसा क्या कहा है भारत ने नेपाल को, इस बारे में आज की इस खास वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें, जिससे हमारी आने वाली डेली वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। पुष्प कमल दहल, जिन्हें प्रचंड के नाम से भी जाना जाता है, वो फिलहाल 4 दिवसीय दौरे पर भारत आए हुए हैं, जिसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। मुसीबत से बाहर निकलने के लिए मदद की गुहार लगाने नेपाल के प्रधानमंत्री इस वक्त भारत में मौजूद हैं। नेपाल की पिछली सरकार ने एक ऐसी बड़ी गलती कर दी जिसका हर्जाना आज और आने वाले कई सालों तक नेपाल को चुकाना पड़ेगा। हुआ यूं है कि कुछ ही वक्त पहले नेपाल में 2 नए एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन हुआ है, पोखरा एयरपोर्ट और भैरहवा एयरपोर्ट। हालांकि हमारे पड़ोसी मुल्क में अगर कोई बड़ी डेवलपमेंट होती है तो इससे हमें काफी खुशी मिलती है, लेकिन नेपाल में बने ये 2 एयरपोर्ट भारत के लिए मुसीबत बन गए। भारत ने लगातार इन एयरपोर्ट के कंस्ट्रक्शन के लिए नेपाल को मना किया, लेकिन नेपाल ने भारत की एक ना मानी और आज इन्हीं 2 एयरपोर्ट की वजह से नेपाल एक बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन दोनों ही एयरपोर्ट को चीन से उधार लिए गए पैसों पर बनाया गया है। चीन ने पाकिस्तान और श्रीलंका में जिस तरह से अपने डेब्ट ट्रैप को फैलाया था, उसी तरीके से चीन ने नेपाल को भी अपने झांसे में लिया। और ऐसा इसलिए क्योंकि नेपाल में अपने पैसों से कंस्ट्रक्शन करवा के चीन भारत के एकदम करीब आ सकता है और कभी भी भारत के लिए मुसीबत बन सकता है। इन एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन तो हो गया, लेकिन ये दोनों ही एयरपोर्ट पूरी तरीके से बंद पड़े हुए हैं, क्योंकि फ्लाइट्स की उड़ान भारत के हवाई मार्ग के जरिए होती है। क्योंकि नेपाल के दूसरी तरफ हिमालय है, इसीलिए नेपाल को अपनी कोई भी फ्लाइट अगर हवा में ले जानी है तो उसे भारत के एयर जोन में आना पड़ता है। और ऐसे में इन दोनों ही एयरपोर्ट्स के लिए भारत ने हवाई मार्ग देने से साफ इंकार कर दिया है। अब सवाल उठता है कि आखिर भारत नेपाल को अपने हवाई मार्ग को इस्तेमाल करने की इजाजत क्यों नहीं दे रहा, जबकि लंबे समय से नेपाल में मौजूद जितने भी एयरपोर्ट हैं सभी भारत के हवाई मार्ग से होते हुए गुजर रहे हैं और भारत ने किसी एयरपोर्ट पर आपत्ति नहीं जताई। तो आखिर इन 2 एयरपोर्ट के लिए हवाई मार्ग देने से भारत ने साफ इंकार क्यों किया? दोस्तों, इस समस्या को समझने के लिए हमें आज से कुछ साल पीछे 2016 में जाना होगा। 2016 में जब इन दोनों ही एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा था, उस दौरान नेपाल ने चीन के CAMC कंपनी के साथ इस एयरपोर्ट को बनाने की डील साइन की थी। तब भारत ने नेपाल में मौजूद KP सिंह ओली की सरकार को लगातार ऐसा करने से मना किया था और कहा था कि अगर आपने ऐसा किया तो आपके हालात भी आने वाले वक्त में पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे हो सकते हैं, साथ ही साथ ये भारत के लिए भी बड़ा खतरा साबित होगा, क्योंकि इसे चीन बना रहा था। चीन ने नेपाल को पैसा उधार दिया और चीन जब भी किसी को उधार देता है तो उस देश की क्या हालत होती है, ये समझने के लिए नेपाल अपने आसपास के कई देश को देख सकते हैं जो इस वक्त चीन के डेब्ट ट्रैप का शिकार हो चुके हैं। लेकिन कहा जाता है कि KP सिंह पूरी तरीके से चीन के गुलाम बन चुके थे और चीन की हर बात मानते थे, इसी वजह से भारत की कोई भी बात उन पर असर नहीं करती थी। दोस्तों, 2016 में भारत ने यहाँ तक कह दिया था कि अगर आपको यह एयरपोर्ट कंस्ट्रक्ट करना है तो हम कर देंगे, हमारी कंपनी से बनाएगी। लेकिन KP सिंह ने भारत की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया और इन एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन CAMC कंपनी द्वारा ही शुरू हुआ। इन दोनों ही एयरपोर्ट के निर्माण के लिए चाइना ने नेपाल को $215 मिलियन का लोन दिया हुआ है। ऑफिशियली इन एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन 1 जनवरी 2023 को हुआ, लेकिन शायद उस वक्त KP सिंह ये बात भूल गए थे कि नेपाल का जियोग्राफिकल एरिया कैसा है। अगर नेपाल कभी भी अपनी फ्लाइट को हवा में उड़ाना चाहेगा तो उसे भारत के हवाई मार्ग से गुजरना होगा और भारत नेपाल को अपनी अभी तक हर तरह की सुविधाओं का लाभ उठाने दे रहा था। नेपाल में आए अर्थक्वेक के दौरान आर्थिक और रेस्क्यू सुविधा की बात करें, या कोविड के दौरान दिए गए वैक्सीन की बात करें, या फिर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए भारत के नेपाल में किए जा रहे भारी इन्वेस्टमेंट की, हर तरीके से नेपाल को अपना भाई समझकर भारत ने उसकी मदद की है। लेकिन जब एयरपोर्ट्स के इस्तेमाल के लिए नेपाल ने भारत से इजाजत मांगी तो भारत ने साफ तरीके से इनकार कर दिया और यही वजह है कि आज भारत के अंदर नेपाल के प्रधानमंत्री आए हुए हैं उन्हीं 2 एयरपोर्ट को चलाने की इजाजत मांगने के लिए, जिसके लिए भारत ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि हम किसी भी तरीके की इजाजत इन 2 एयरपोर्ट के लिए नहीं देंगे। भारत ने कहा कि आप एक भी फ्लाइट हमारे हवाई मार्ग से इन एयरपोर्ट के जरिए नहीं उड़ा पाएंगे, यही वजह है कि एयरपोर्ट पूरी तरीके से बंद पड़े हुए हैं। अगर इन एयरपोर्ट के जरिए नेपाल की कमाई नहीं हुई तो आखिर वह कैसे चीन का कर्ज चुकाएंगे? भारत ने कहा
कहा कि जब हमने आपको इन एयरपोर्ट को बनाने के लिए ही मना कर दिया था तब आपने हमारी बात नहीं सुनी, तो अब आपकी जरूरत और आपकी फिक्र से हमें क्या लेना देना। ऐसे में नेपाल की तरफ से बयान आया है कि उस वक्त उनकी सरकार नहीं थी, अगर भारत आज के समय में चीन के बनाए गए इन एयरपोर्ट्स की इजाजत दे देता है तो ये आने वाले वक्त में भारत की सुरक्षा के लिए एक बड़ी मुसीबत साबित हो सकते हैं। अब ऐसे में एक तरफ जहां नेपाल के प्रधानमंत्री भारत आकर इस तरह की मदद की गुहार लगा रहे हैं, तो वहीं जिन्होंने ये सारी मुसीबत खड़ी की है यानी कि नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी सिंह, वो भारत के पार्लियामेंट बिल्डिंग में बने हुए अखंड भारत के नक्शे पर लगातार टिप्पणियां करते हुए कह रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री को यानी कि प्रचंड जी को भारत का विरोध करना चाहिए। उनकी इस हरकत का असर नेपाल की रिक्वेस्ट पर किस तरह से पड़ता है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हालांकि भारत नेपाल को अपना भाई समझता है, तो हो सकता है उसको चीन के इस चुंगल से बचाने के लिए भारत अपने इरादे बदल दे या फिर जल्द से जल्द नेपाल चीन का ये कर्ज उतार कर इस मुसीबत को हमेशा के लिए खत्म कर दे। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या भारत को आने वाले वक्त में नेपाल की बात मानते हुए उसको इजाजत दे देनी चाहिए या नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।